डिस्क्लेमर, ये वीडियो बस हंसी मजाक और इंटरटेनमेंट के लिए है, तो कोई भी इसे दिल पे मत लो, कहीं और लो, मजा आएगा लेने में। धन्यवाद। तो बच्चे लोग बना गया फिर से एक नया रोस्ट के साथ और एक नया लुक के साथ। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट हो गया, पर घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लौंडे लपाटे चूलों में चल मचाते एक बॉय के बारे में। ना ये लेडी बॉय है, ना ही सेक्सी बॉय, ये है गरीब बॉय। मर के भोसड़ी के बिटवाई कहे का गरीब लगत है बिटाई, तो अमीर का चौदा लगत है। अरे दादी, तुमको कितना बार बोली कि गाली मत दिया कीजिए, बच्चे लोग भी देखते हैं ये वीडियो। अरे मिमर के भोसड़ी के बिटवा गलती से इस उम्र में निकल जाते बेटा। दादू कुछ ज्यादा ही नोटी हो रहे हो आजकल तुम, और एंजल प्रिया को भी फॉलो कर लियो, कुछ चल तो नहीं रहा आप दोनों के बीच में। दादू इस उम्र में शोभा नहीं देती आपको ये सब। अरे बिटवा, शोभा तो पहले भी नहीं देती थी, इस उम्र की तो बात ही छोड़ दो। दादू बहुत नोटी बन रहे हो ना, रुक अभी दादी को बताता है अपन। अरे अरे मिमर बिटवा, हम तो जा रहे बेटा, मजाक कर रहे थे बेटवा, तुम तो सीरियस ले लिया। तो तुम लोग गरीब बॉय की गरीबी देख रहे हो, ऐसे गरीब होते हैं ऐसे? साले ये दुनिया का सबसे पहला गरीब है जो गरीब नहीं है, और दुनिया का सबसे पहला ऐसा इंसान है जो मैं गरीब हूँ बोल बोल के साला ये अमीर हो गया। देखो गरीब बॉय जब गरीब था तब भी रोता था, अब जब इसके पास अच्छे खासे घर है, गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है और माँ भी है साले के पास, तब भी रो रहा है। रो थ्रू कहीं का मतलब ये अमीर हो जाए या गरीब, रोना नहीं छोड़ेगा। और गरीब बॉय हमें पार्ट टाइम मोटिवेट भी करता है। बात बता मेरा भाई, एक बात बता, तेरा ब्रेकअप हुआ है, चल हो जाने दे। उसको देख के तेरी सांसें चलती थी, वो तेरी ऑक्सीजन है, वो तेरा सांस की काम कर रही है, अब चल गई तो तू फड़फड़ा रहा है, अब जिया नहीं जा रहा। अब उसके साला गरीब बॉय इतना अच्छा मोटिवेट करता है कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसको भी एक टाइम के लिए लगेगा। साली छोड़ के चली गई, कितनी कमी निकलेगी है। क्या हुआ बे तेरे को, रो क्यों रहा है तू? अरे तेरी भाभी अपने को छोड़ के चली गई रे। अबे चूतिए, पर तेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। अरे हाँ, अपने पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। माता दिल चुरा ले ओ चांसी चेहरे वाली मुस्कुरा ले। गरीब बॉय, गरीब बॉय नहीं चूतिया बॉय लग रहा है जो अपनी माँ से लिपसिंग करा रहा है। देख गरीब बॉय, अपने चूतियापा में अपने माँ को बीच में मत लाएगा। अगर तुझे माँ से वीडियो बनाना है तो कुछ ढंग का वीडियो बना, कुछ अच्छा वीडियो बना जिससे लोग कुछ सीख पाए। तू तो अपनी माँ से लिपसिंग ही करा रहा है, और लिपसिंग भी कौन से गाने में करा रहा है? लड़की जिस गाने में गाना गा रही है उस गाने में तू लिपसिंग कर रहा है, और अपनी माँ से भी करा रहा है। माँ चूतिया है तू। एक बार इसकी मम्मी को ध्यान से देखो, बेचारी को कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है और क्यों करवा रहा है मेरे से। इसकी मम्मी का शक्ल देख के ऐसा लगता है कि बेचारी को जबरदस्ती डांस कराया जा रहा है। और ना इसके घर पे कोई फेस्टिवल होगा, ना कोई फंक्शन होगा, ये अपना कंटेंट निकाल रहा है गरीब बॉय। देखो माँ बाप से वीडियो बनाना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे लड़का लड़की ये नहीं कर पाते हैं, ना ही वो वीडियो बना पाते हैं, ना ही सेल्फी ले पाते हैं। अगर तू ये सब कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उनसे जबरदस्ती लिपसिंग कराएगा और डांस कराएगा, ये सब गलत बात है गरीब बॉय। अपने चुतियापा में अपने माँ बाप को बीच में मत लाया कर। पता है हम मिडिल क्लास लड़कों को ना आज तक गुरूर नहीं आया किसी चीज का। गरीब बॉय जब गरीबों वाला रील बनाता है तो साइकिल का यूज करता है ताकि इसे लोग देखे और सिंपैथी के साथ लाइक व्यू भी दे। पर अगर हम यही जगह में इसका दूसरा रील देखे तो नाम से गरीब और शौक नवाबों वाले। भगवान जी अगर ऐसे गरीब होते हैं तो मुझे भी गरीब बनना है, मुझे भी थार में घूमना है, प्लीज आप मुझे भी गरीब बना दीजिए। गरीब बॉय को जब गरीबों वाला रील बनाना होता है तो साइकिल में बनाता है, पर यही जगह में उसे अगर दूसरा रील बनाना होता है तो कभी थार तो कभी कार में बनाता है, वो भी महंगे वाले, और ऐसे शो ऑफ करता है जैसे कि अंबानी का बेटा हो। साला इतना शो ऑफ तो अंबानी का बेटा भी नहीं करता होगा। जो लड़का अपने बाप का फटा जूता देखा है ना, वही लड़का कुछ अपने जिंदगी में करता है। और ये नशे पानी दूर लड़की बाजी टाइम पूरा वेस्ट है ये सब। गरीब भाई मैं अपने बाप का फटा हुआ जूता तो नहीं देखा, पर टूटा हुआ चप्पल जरूर देखा है, और मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा, आपसे मैं काम करूंगा, माँ बाप का ख्याल रखूंगा। गरीब बॉय का वीडियो देख के मेरी आंखें खुल गई, और मैं दिन रात काम करता रहा और माँ बाप का ख्याल रखता रहा, यहाँ तक कि मैं अपने बाप के लिए एक नया जूता भी खरीदा। लड़कियों से इतना ज्यादा दूर चला गया था कि लड़कियां मुझ तक पहुंच नहीं सकती थी। पूरे दिन गरीब बॉय की बातें मेरे दिमाग में चलती थी कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए और माँ बाप का सेवा करना चाहिए। सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद फिर मैं एक दिन कुछ ऐसा देखता हूँ। छन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अप... और उस दिन गरीब बॉय का ऐसा देख के मेरे दिल में बस एक ही बात आई, माता क्यों। एक तरफ गरीब बॉय हमें मोटिवेट करते हैं ये बोल के कि लड़कियों से हमें दूर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद लड़कियों के साथ बीट पे बूटी कर रहा है, नोटी गरीब बॉय। देखो गरीब बॉय नहीं रहा, वो छपरी बॉय बन चुका है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा तुम लोग बोलोगे इसे देखने के बाद। इसके बाल देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके बाल पे आग लगा दी हो, पर एक बात तो मानना पड़ेगा, बंदे में एक्टिंग स्किल है, मेरा मतलब है कि रोता काफी अच्छा है। तू अगर ये वीडियो पूरा देख के गया तो तू माँ से बहुत प्यार करता। मतलब तू कहना चाहता है कि मैं अपने माँ से प्यार नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो पूरा नहीं देखा। मादर छोड़ यार। देखो ये एक स्कैम है बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पे चूतिया भरे पड़े हैं, एक ढूंढो सौ मिल जाते हैं, तो अगर कोई चूतिया इसका वीडियो ये वाला देखता है तो वो सोचेगा ही यार मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो देखूंगा ही, और ऐसा कौन बंदा है जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा, हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है। एक मिनट, मतलब हर कोई इसका वीडियो देखेगा। तो बच्चे लोग अगर तुम लोग अपनी माँ से प्यार करते हो तो मेरा वीडियो लाइक मार देना, अगर लाइक नहीं मारो तो मैं समझूंगा कि तुम अपने माँ से प्यार नहीं करते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हो और मिलते हैं एक नया लुक के साथ और एक नया रोस्ट के साथ, और तब तक के लिए जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्या तुम लोग अपनी माँ से प्यार नहीं करते? जो अपनी माँ से प्यार करता है वो मेरे वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो टाटा बाय बाय, मुझे भी नहाना है, बहुत दिन से नहाया नहीं हूँ।